की जो वज़ायफ़ हैं, वो वज़ायफ़ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे, उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक जरिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मुजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का जरिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाजत दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब का जखीरा जमा हो, बाकी जो है वो दो वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतजाम कर रखा। मेरे बेटा अफान का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने को है, इसलिए दुआ कर दे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कि आपके बेटे की एडमिशन के लिए बिल्कुल दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। उसके लिए आप विर्द नोट कर लें, अल्लाह के चार नाम हैं, या सुबूहू, या कुद्दूसू, या गफूरू, या वदूदू। ये 101 दफ़ा मगरिब के बाद पढ़ने, अव्वला की ग्यारहमत बुद्रशीफ, ये पढ़ के दुआ करें, इंशाल्लाह बेटे के लिए जो भी आपको मतलूब है वो आपको हासिल हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।